करनाल के शेखपुरा गांव में एक युवक की घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि मृतक राजेश के परिजनों ने सदर थाना के बाहर सड़क पर विरोध जताते हुए युवक की पत्नी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग भी उठाई है। पुलिस को दी गई शिकायत में राजेश की बहन सुमन ने कहा कि उसकी भाभी पूनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके भाई की हत्या की है। सुमन ने शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी भाभी का चरित्र ठीक नहीं है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रची है। यहां आपको बता दें कि ग्रामीण सदर थाने के सामने काफी देर तक हंगामा करते रहे। बाद में सदर SHO मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो क्या मामला है? मामला ये है जी, 11 मई को यानी रात को जो हमारा ताऊ का लड़का है जी, हमें पता लगा था कि भाई इसका रात को करंट लगने से मौत हो गई है। तो हम जैसे पता लगा हम रात को पहुंच गए जी वहाँ पे। पहुंचने के बाद कोई बात नहीं, हम बैठ रहे सुबह अपना देखा भाई करंट लग रहा है, तो हमने पुलिस वगैरह को भी इन्फॉर्म किया तो आगे पोस्टमार्टम के लिए लेके भी गए हैं। तो हमने अपना संस्कार वगैरह कर दिया जी। आने के बाद जैसे मान लें गाँव वगैरह सारे इधर उधर से गाँव से इकट्ठा होने लगे, सबको ये लगे कि भाई ये इसने करंट लगने से हत्या नहीं हुई, ये मर्डर है भाई, करंट वाला काम नहीं है, इसने खुद ही किया है। तो उससे पूछताछ की, सब ने मिलजुल के तो उसने फिर अपनी गलती हुई मान्य भाई, मेरे से गलती हुई है और अपने कभी किसी को कह रही है भाई मैंने 11 बजे फोन कर दिया, किसी को कह रही है 1 बजे मर गया, किसी को कह रही 12 बजे मर गया। तो उस बयान से भी हमको उसको इस पर डाउट होया, तो इसलिए फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आगे SHO साहब से भी मिले। हम तो कह रहे भाई पर्चा वगैरह कराओ, हमने पर्चा भी दर्ज करा दिया, जब तक तो हमारे पास कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। तो यही चाहूँगा कि हम भाई इंसाफ हुआ उस लड़के के साथ, और ये भी है कि उसका एक का काम नहीं है, काम भी मिलजुल के हो रहे हो, क्योंकि अकेले बंदे का काम नहीं है कि बंदा अपना टायर मार दिया, क्योंकि 4-5 बंदे इन्वॉल्व होंगे तभी जाके बंदा मरता है जी। और उसका ये भी पता लग गया है कि वो गांव में गलत है, तो उस चीज की सारी पुलिस कार्रवाई करेगी तभी पता लगेगा, ठीक है जी। गांव के अंदर जैसे छानबीन होगी वो सबको सब बता देगी, ऐसी बात नहीं है, जब लगेंगे उसको 2 डंडे सारा कुछ बताएगी वो। कब का मामला है ये? मामला है जी 11 तारीख का। और उसके परिवार में क्या है? परिवार में और उसके मतलब मदर और फादर एक्सपायर हो गए, ये हमारी सिस्टर है जी, छोटे छोटे बच्चे हैं जी उसके, तो हम ये चाहते हैं कि उसका इंसाफ हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, पता लगना चाहिए जी हमें भाई कौन कौन है। इसका भाई है जी और दो ही बहन भाई थे, ठीक है। इसका तो नू समझ लो कि पूरा का पूरा परिवार उजड़ चुका है, इसके आगे पीछे कोई नहीं रहा। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलके ऐसा इस काम को जो अंजाम दिया है, हमारा ये मानना है सारे गांव वालों का। और जैसे ही वो उल्ट सारा गांव आया जी, पूरा गांव आया, पूरे गांव में लड़का ऐसा है जी, पूरा गांव उसकी गवाही दे सकता है जी, बिल्कुल शरीफ बच्चा है जी गांव के अंदर, पूरा गांव आया जी, पूरा गांव सारे उसकी कसम, सारा गांव हाथ उठा रहा है जी, देख लो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.